हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोबिया एंड पैनिक अटैक्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को पहले जा करके देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट इज GAD। और इसके बारे में हम कॉजेज क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और सिम्टम्स क्या है, इसके आज हम ये देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आए तो। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि आर दोज इन विच एंजाइटी इज अनवेयरिंग एंड परसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें कि एंजाइटी अनवेयरिंग होती है और परसिस्टेंट रहती है, मतलब हमेशा ही रहती है, कभी ऐसा नहीं है कि उसको अभी नहीं है, हर टाइम उसको एंजाइटी रहेगी, हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर वो एंशियस हो जाएगा पर्सन। सो अनलाइक फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर व्हेन एंजाइटी इज इंटरमिटेंट। फोबिक एंजाइटी में क्या होता है कि जो एंजाइटी होती है वो इंटरमिटेंट होती है और वो तभी होती है जब किसी भी स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में वो जाता है। लाइक अगर उसको कॉकरोच से फोबिया है तो कॉकरोच जब दिखेगा तभी उसको एंजाइटी स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो कॉकरोच के बारे में सोचता रहेगा और डरता रहेगा। ठीक है, तो जब भी वो सोचेगा कभी बाई चांस तब उसको डर लगेगा, या फिर जब वो उसको देखेगा तब उसको डर लगेगा। लेकिन जनरलाइज एंजाइटी में क्या होगा, उसको हर टाइम ही डर लग हर टाइम ही एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, हर टाइम उसको घबराहट रहती है। ये मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर है एक, एंड इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन। ठीक है, औरतों में ज़्यादा होता है, ये प्रीवलेंस रेट इसका जो है 2.5 से 8% है। सो आपने देखा होगा अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए, सो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके एंशियस हो जाते हैं, हर एक चीज़ को लेके टेंशन में आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये डेवलप होता जाता है। कॉजेस देख लेते हैं, कॉजेस में आपकी थ्योरीज दी होती हैं, तो फर्स्ट थ्योरी और जेनेटिक थ्योरी। सो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि मोस्ट अमंग आपका फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स होते हैं उसमें 15 to 20% चांसेस होते हैं उनको होने के। अगर किसी को है घर में एंजाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज वाला, तो अगर जो उसके रिलेटिव है उनको 15 से 20% चांसेस है कि उनको भी हो सकते हैं। एंड देन आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 80% चांसेस होते हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी की बात करें तो साइकोडायनामिक थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि एंजाइटी जो है यूजुअली डिप्रेशन के साथ डील होती है। जब भी पेशेंट को एंजाइटी होती है ना, तो उसका जो रिप्रेशन है डिफेंस मैकेनिज्म वो आता है और उससे वो ठीक हो जाता है। जब रिप्रेशन काम नहीं कर पाता तो ईगो आ जाता है, तब एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है कि रिप्रेशन नहीं आ पाता। ठीक है, रिप्रेशन जो है वो नहीं आ पाता, और जब रिप्रेशन नहीं आ पाता फर्स्ट वाला ही नहीं आ पाएगा तो सेकेंड भी ईगो जो है नहीं आएगा, तो ये दोनों ही नहीं आते हैं उसको, इसीलिए एंजाइटी उसको प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पाता और पेशेंट को एक एंजाइटी होती है। तो दिस इज़ योर साइकोडायनेमिक थ्योरी, एक बार रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी इज यूजुअली डेल्ट विद रिप्रेशन। ठीक है, व्हेन रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली अदर सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि आपका ईगो है कम इन टू एक्शन। इन एंजाइटी रिप्रेशन फेल हो जाता है टू फंक्शन एडिक्वेटली एंड द सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट एक्टिवेटेड, हैंस एंजाइटी कम इन द फोरफ्रंट। जैसे कि मैंने आपको बताया रिप्रेशन नहीं आ पाता जिसकी वजह से सेकेंड भी नहीं आएगा, तो एंजाइटी ही उसको फोरफ्रंट आगे आ जाती है और एंजाइटी उसको होती है। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो गाबा का लेवल होता है वो ऑल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्लिनिकल एंजाइटी होती है। नेक्स्ट अगर बिहेवियर थेरेपी की बात करें, थ्योरी की बात करें, तो जो एंजाइटी है ना, अनकंडीशन इनहेरिटेड रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल टू अ पेनफुल स्टिमुलस। सो दीज आर ऑल अबाउट कॉजेस। कॉजेस में आपकी थ्योरीज हैं, अगर आप दो या तीन थ्योरी भी याद कर ले तो बहुत है लिखने के लिए। नेक्स्ट इज योर क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे अगर किसी को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में उसको फियरफुल एंटिसिपेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, सेंसिटिविटी टू नॉइस मतलब थोड़ी भी शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, रेस्टलेसनेस होती है, कंसंट्रेशन उसका सही नहीं रहता, वरिंग थॉट्स हमेशा सोचता ही रहेगा एंड अप्रीहेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ही एंशियस रहते हैं उस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, छोटी छोटी बारों के चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। जैसे अगर उन्होंने घर का काम कोई नहीं किया तो उसके बारे में इतना सोचेंगे बार बार नहीं किया मैंने नहीं किया, तो उससे एंजाइटी प्रोड्यूस होगी। अगर खाने में कुछ हो गया तो सोचेंगे बार बार कि आज खाने में ये ऐसे हो गया, उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो उसको एंजाइटी उनको प्रोड्यूस होती है। देन फिजिकल सिम्टम्स में उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, एपिगेस्टिक डिसकम्फर्ट एंड फ्रीक्वेंट या फिर लूज मोशंस उनको आते हैं। रेस्पिरेटरी की बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन सा फील होगा, डिफिकल्टी इन इनहेलिंग एंड ओवर ब्रीदिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो पाल्पिटेशंस होते हैं, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट होता है। जेनाइटो यूरिनरी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी और अर्जेंट मिक्चुरेशन, मतलब बार बार ऐसा लगता है कि यूरिन पास आउट करना है उन्हें। फेलियर ऑफ इरेक्शन एंड मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट हो जाता है जैसे कि एमिनोरिया। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में उनको ट्रेमर्स आते हैं, देन प्रिकलिंग सेंसेशन आते हैं,
डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, एकिंग मसल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें अदर में, तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, नींद नहीं आनी, क्योंकि वो एंशियस रहेंगे, हर हमेशा सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो इसीलिए उनका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिप्रेशन हो जाता है और ऑब्सेशन होता है। डिप्रेशन मतलब कि अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना, बार बार एंग्जाइटी हो रही है, तो उसके लिए डिप्रेस हो जाएंगे। ऑब्सेशन हो जाता है मतलब कि थॉट बार बार आती है उनके माइंड में, रिपीटेड थॉट्स आती हैं। डी पर्सनलाइजेशन होता है और डी रियलाइजेशन होता है। डी पर्सनलाइजेशन में होता है कि उनको लगता है कि वो किसी के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। डी रियलाइजेशन में लगता है कि जो वर्ल्ड है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो उनके लिए वेरी नहीं करता। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स देंगे, क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं हम उनको, TCS देते हैं, टेट्रासाइक्लिक एंटी, है ना, और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। देन उनको थेरेपी देते हैं, जिसमें कि हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं, बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं हम उनको। बिहेवियर थेरेपी में हम उनको डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक के थ्रू देते हैं, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, एंड कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो बार बार थॉट उनके माइंड में ना आए तो वो कहीं ना कहीं उसके बारे में नहीं सोचेंगे और एंजाइटी प्रोड्यूस इतनी नहीं होगी। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि उनको कॉन्टिन्यूस एंजाइटी होती है, बार बार उसी चीज़ को लेकर के एंजाइटी, उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी कभी सोचेंगे, हमेशा ही उनके माइंड में थॉट्स चलती रहेंगी और एंशियस होते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंजाइटी प्रोड्यूस होती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।